हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आप में से कुछ लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा, लास्ट वीडियो में मेरी कुछ आवाज़ें आ रही थी बाइक से, ठीक है, तो कटपट की आवाज़ आ रही थी। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे हिसाब से वो चैन की आवाज़ है, चैन लूज़ हो चुकी है और उसके अंदर ना एक चैन स्लाइडर होता है, ठीक है, रबड़ का एक पैड होता है जिसके ऊपर चैन स्लाइड करती है, तो वो शायद घिस के टूट गया है। लास्ट संडे मैंने राइड मारी थी KTM वालों के साथ, तो वो हाइपर राइड थी। उसके बाद 2-3 दिन तो मैं अपने आप ही घूम रहा था। उसके बाद फिर अब कल की वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैं पोंटा गया था तो वहाँ पे भी हाइपर राइड ही थी एक तरीके की। तो हुआ ये है ना, थोड़ी सी राइड हाइपर हो चुकी है और चेन लूज हो चुकी है। ठीक, तो चलो मैं आपको पहले चल के दिखाता हूँ क्या दिक्कत है, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास, गाड़ी के डॉक्टर के पास, ठीक है, पता करते हैं कैसे होगा। अगर आज होगा तो आज ही करा लेंगे, वरना कल कराएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइज यार, मैं बाइक के पास आ गया हूँ। देखो गाड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हो आजकल राइड वगैरह चल रही है और बरसातें भी चल रही है ना, तो गंदी तो होती है, गंदी तो रहेगी ही। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक तो प्रॉब्लम यह है कि देखो कितना प्ले आ रहा है ना, ये देखो ये पूरा ऊपर तक जाके ना इस पर टच हो रहा है, तो ये आवाज़ कर रहा है मेरे ख्याल से। और एक चीज़ होती है ये चेन स्लाइडर, अब मेरे को लग रहा है ये पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, वो टूट के पता नहीं कब गिरा, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं दिखाता हूँ मैकेनिक को, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक है, यहाँ तक टकरा रही है, तो ये जब भी टकराएगी आवाज़ करेगी। ठीक, यहाँ पे एक रबड़ का होता है, मेरे को लग रहा है वो पार्ट ही नहीं है, वो टूट के गिर चुका है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बाकी तो अब मैकेनिक बताएगा कि क्या है। और एक चीज़ और होती है, चैन की जो साइज़ होता है ना कि कितनी टाइट होनी चाहिए, वो या तो यूज़र मैनुअल में लिखा होगा या बाइक के इस पर बना होता है, ठीक है, मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं बना हुआ, चेन कवर के ऊपर तो कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, वरना वो डायग्राम से बना होता है, वरना उस पर ये लिखा होता है ये जो प्ले है ना ये कितने mm का होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। ऊपर की साइड भी नहीं है, नहीं यहाँ तो नहीं है। तो अगर आपकी बाइक कोई और भी है ना, तो उसमें भी या तो यहाँ मिलेगा या जो बाइक का यूज़र मैनुअल होता है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है ये लूज़ है बहुत ज़्यादा। तो चलो अब चलें, क्लियरली प्रॉब्लम तो है, तो चलो चेक करवाते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। तो गाइस यार, ये देखो आज सुबह बड़ी बारिश हुई है, अरे भयंकर ऑफ रोडिंग रखी है यार, यहाँ तो पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ से आना सही नहीं रहेगा आज, और आज फिर भी गर्मी हो रही है इतनी तगड़ी। सुबह पता है क्या था, सुबह तो भाई ऐसा सीन हो रखा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बरसातें स्टार्ट हो चुकी हैं, भयंकर बारिश हुई है सुबह 9-10 बजे से, पता नहीं कब से हो रही थी, सुबह से ही हो रही थी और 12-1 बजे तक बारिश रही है। और इस समय यहाँ पे तो पूरा का पूरा दलदल हो रखा है, और आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस समय, सुबह इतनी बारिश होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, पसीने पसीने हो रखे हैं, ठीक है, जो वो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना भाई, वो वाली गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं हेलमेट के अंदर। और तो गाइस, मैंने आपको जैसे बताया था, दिखाया भी था, चेन बड़ी लूज हो रही है, ठीक है, और एक पार्ट होता है बाइक के अंदर जो होता है चेन स्लाइडर, ठीक है, रबड़ का एक पैड होता है जिसके ऊपर चेन स्लाइड करती है, ठीक है, तो वो पार्ट मुझे लग रहा है टूटा हुआ है। कभी मैंने आज से पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नेट पर जब देख रहा था ना, चेक कर रहा था क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे पता चला भाई चेन स्लाइडर भी होता है कुछ, वो चेन के ऊपर चेन उसके ऊपर रन करती है, ठीक है, तो वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मतलब अपनी बाइक में मैंने कभी उस पार्ट को देखा नहीं है, या फिर देखा है तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं था, पहली बार ही पता चला है कि अच्छा ऐसा पार्ट होता है कोई। KTM के शोरूम वाले भैया को मैंने मैसेज करा है, थोड़ा सा आइडिया लिया है उनसे कि ये प्रॉब्लम है, तो क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है, चेन स्लाइडर, ठीक है, चेन टाइट, चेन क्लीनिंग, तो उनसे पता कर लेते हैं, ठीक है, कि कितने का पड़ेगा। और अगर देखो वहाँ पर क्या सीन है कि वहाँ हम कराएंगे ना, तो आपको सर्विस चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और सर्विस चार्ज कम से कम मेरे को लगता है 700-800 रुपये से कम क्या होगा, ठीक है, और अगर हम बाहर कराएंगे तो सर्विस चार्ज 100-200 रुपये पड़ेगा मेरे को लगता है, ज़्यादा ज़्यादा 300 पड़ जाएगा। और मैंने अपने एक फ्रेंड से भी सजेशन लिया है, ठीक है, तो उसने एक मैकेनिक रिकमेंड किया है, अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ एक लोकल मैकेनिक पे, ठीक है, वहाँ से ले लेते हैं आइडिया कि भाई क्या होने वाला है, कि क्या हो सकता है, चेन टाइट होएगी, चेन क्लीन तो होएगी, और चेन स्लाइडर भी डलेगा या नहीं डलेगा, और डलेगा तो कितने का डलेगा, वैसे तो मुझे लग रहा है डलेगा ही, तो चल के पता करते हैं आज, डलवा कर लेंगे, क्योंकि तो शोरूम तो क्लोज़ हो चुका था जब मैंने उन्हें मैसेज किया है, तो शायद आज मुझे रिप्लाई ना मिले, कल मिलेगा तो कल क्लियर हो जाएगा, फिर कल करवा लेंगे, यहाँ से सही पड़ेगा या वहाँ से सही पड़ेगा, जो भी सही पड़ेगा, ठीक है, मतलब सस्ता तो भारी पड़ेगा, बट यह है कि कितना फ़र्क पड़ता है वो देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैकेनिक, लोकल मैकेनिक को दिखा देते हैं एक बार,
कि भाई क्या हो सकता है। तो हम बातें करते करते पहुंच गए हैं सहारनपुर रोड। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जैसे बाइक चलती है तभी राहत मिलती है भाई, वरना तो यार पसीने छुड़ा रखे हैं गर्मी ने। सुबह ऐसे बारिश हो रही थी कि भाई लग रहा था कि दिन तो गया, आज कैसे राइड मारूंगा, और अब ऐसी गर्मी हो रही है कि तब भी यही लग रहा है कि भाई अब कैसे राइड मारूंगा। गाइस इस हफ्ते में ना संडे को भी हाइपर राइड हो गई थी बढ़िया वाली, ठीक है, उसके बाद हम पौंटा की तरफ गए थे तो वो वाली वीडियो कल आई थी, तो उसमें भी राइड हाइपर ही थी, 90-100 चल रहे थे हम आराम से। ठीक है, तो इसलिए ना पहले बहुत कम इशू था इसका चैन का, हल्की फुल्की कभी कभार आवाज़ आती थी, मैंने टाइट भी करवाई थी, बट अब जो आ रही है ना आवाज़ तेज़ आ रही है। ठीक है, अभी तो मैं चल रहा हूँ 30-40 पे तो कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन जब 60-70 चलेगी ना तो फिर वो कट कट करना शुरू कर देगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक मैकेनिक के पास, ठीक है, जो KTM का स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे KTM ही करता है सिर्फ, वो बाकी कुछ गाड़ियाँ करता है लेकिन मेनली KTM करता है, तो उससे आइडिया ले लेते हैं भाई क्या खर्चा है, फिर बाकी आइडिया कल तक लग जाएगा मुझे, बाकी फ्रेंड भी बता देगा और शोरूम से भी आइडिया लग जाएगा कल तक, तो कल करवाएंगे काम। पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, यार यहाँ पर झंडा तिरंगा पता नहीं क्यों नहीं लगाते हमेशा, मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये धोने के लिए भी उतारते हैं ना झंडा तो भी इनके पास दो झंडे होने चाहिए, एक उतारा था दूसरा उस समय लगा दिया, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ हफ्ते में 4 दिन तो उतरा हुआ होता है। अब ये मेरे को पता नहीं है कोई रूल वगैरह होते होंगे कि भाई कैसे करना है, क्या झंडा फहराना है, हाँ टाइमिंग होती है ये तो मेरे को पता है कि भाई सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ही फहरा सकते हो और रात को इतने बजे से इतने बजे तक फहरा सकते हो, ऐसा कुछ सीन होता है, किसी को नॉलेज है तो बताना यार। भाई जब हम बचपन में थे ना तो यहाँ से गाड़ियाँ अंदर डाल देते थे भाई, यहाँ से और भी एक जगह थी वहाँ से भी चले जाते थे स्टेशन की तरफ से, यहाँ से और वहाँ से अपनी तरफ, और इधर से मतलब उधर क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म से होके चले जाते थे, लेकिन अब क्या होता है अब चालान कट जाते हैं तो अब नहीं जाते, पहले बचपन में तो बहुत बार गए हैं। साइकिल यहाँ पे सीखी, बाइक चलानी तो नहीं, स्कूटी चलानी यहाँ पे सीखी, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, चेन टाइट तो ये अभी भी कर देंगे, बट मैं अभी चेन टाइट कराऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए वो वाला पार्ट भी जो है कि चेन स्लाइडर, ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, आज तक मेरे को किसी मैकेनिक ने भी नहीं बताया इस बारे में कि आपकी गाड़ी में चेन स्लाइडर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनको भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने चेन टाइट इनसे करवाई है पहले भी तो इन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार, ट्राई मारते हैं फिर करेंगे आगे की बात। यहाँ पर आप हो भैया वहाँ, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, देखो इन्हीं की शॉप है मेरे ख्याल से वो वाली भी मस्जिद के सामने, वहीं जाना चाह रहा था मैं, भाई जाके पता कर लेते हैं भाई क्या चक्कर है। तो भाई ये है वो शॉप, इनसे मैं पहले भी एक बार चेन टाइट करवा चुका हूँ, आज पता करते हैं। तो गाइज यार सिर्फ चेन क्लीनिंग हुई है, टाइट हुई है, ठीक है, और जो पार्ट मैं सोच रहा था कि है ही नहीं वो लगा हुआ है, मैं देख गलत जगह पे रहा था, ठीक है, तो अभी आपको घर जाकर दिखाएंगे वो पार्ट कौन सा है, और वो सही सलामत लगाया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, तो एक टेंशन तो ये ख़त्म हुई, और दूसरा क्लीन और साफ़ हो गई है, 200 रुपये लगे हैं, ठीक है, तो ठीक है इतना तो चलता है यार। बाकी यार इनका लुब्रिकेंट मेरे को लग रहा है ना जो ये डाल रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने इससे करवाया था तो इसने क्लीन करके लुब्रिकेंट टाइट दे
सब कुछ कर दिया था, मतलब चेन टाइट लुब्रिकेंट वगैरह सब कर दिया था, बट वो दो या तीन महीने में ही गंदा भी हो गया। जैसे मैं खुद स्प्रे करता था ना, तो वो वाला लुब्रिकेंट इतनी जल्दी गंदा नहीं होता था, ये मुझे लगा है कि जल्दी गंदा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे ना, अब ये तो हो गया, चेन टाइट का मेन इशू था वो इन्होंने कर दिया है, बाकी जो लुब्रिकेशन वगैरह है, चेन साफ़ करनी है, वो मैं हर 10-15 दिन में अपने आप ही करता रहूँगा, तो ज़्यादा इशू आएगा नहीं, है ना। और अभी ना यार थोड़ी स्पीड कम ही रखूँगा ना तो बेटर है, क्योंकि ये सारा का सारा इसने स्प्रे मारा है, वो स्प्रे उछलेगा ही उछलेगा, तो फ़िलहाल तो हल्के हल्के चलते हैं। गाड़ी को आज कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वो तो करा दिए, अब अपने लिए कुछ ले लेते हैं। सबसे पहले तो उसने डीजल स्प्रे करा बाइक को स्टैंड पे खड़ा करके, तो उससे ही क्लीन हो जाती है बहुत हद तक, ठीक है। फिर पानी मारा, ब्लास्ट में उसने चेन टाइट करी और लुब्रिकेंट, ठीक है, स्प्रे कर दिया। तो ये था कुछ खेल, बाकी आप कंपनी से कराओगे ना, वैसे तो वहाँ पे मैकेनिक ऐसे ही होते हैं, वो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वैसे ही करेंगे, होता ही है ना, जो मैं आपको घर जा कर दिखाऊँगा, उसमें ना मार्क बने होते हैं, ठीक है, आपकी चेन के ऊपर, ठीक है, और जो आप टाइट कर रहे हो ना। चलो मैं घर जा कर दिखाऊँगा, ऐसा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और गाइस आपको पता ही होगा, पैरेलली मेरा ना एवरेज भी चेक कर रहा हूँ मैं, देखो 214 किलोमीटर चली है मैंने, जब तेल जिस दिन तेल डलवाया था ना 673 का शायद, हाँ 673 का तेल डला था 7 लीटर के आसपास, ठीक है, वो सब वीडियो में है, जिस दिन डला था उस दिन से कंटिन्यूस गाड़ी चल रही है, ठीक है। और जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चल रही है, कभी मैं राइड भी मार रहा हूँ उसी में, हाइपर भी चला रहा हूँ, नॉर्मल भी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे यूजेस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये ख़त्म होगा ना, दोबारा से तेल डलाएंगे, फ्यूल अप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको बताएंगे भाई एवरेज क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज निकाल रहा हूँ गाड़ी से, जो एवरेज आना चाहिए वही आ रहा है, कभी मैं स्पीड में हूँ, कभी मैं नॉर्मल हूँ। अब देखो दो अच्छी खासी राइड हो गई है, जब KTM वालों के साथ गया था मैं, ठीक है, उसके बाद अलग से राइड भी मारी थी, और एक लंबी राइड मारी हमने पोंटा की, ठीक है, 100 किलोमीटर के आसपास की, 100 क्या 110 ही मान लो, तो दो राइड हो गई। और बाकी लोकल तो मैं रोज़ चल रहा हूँ, 10-15 किलोमीटर का रोज़ का है ही, तो जो भी है वो अब कैलकुलेशन बिठा लेंगे, तो हमें एवरेज ढंग से पता चलेगा कि कितने कितने के तेल में कितना चलती है। और ये है ना, अगर हम 1 लीटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हम हिसाब से चलेंगे, 1 लीटर को ही कैलकुलेट करेंगे जब, लेकिन जब हम टैंक टू टैंक कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारी हर तरीके की रनिंग आ जाएगी उसमें, तेज़ चलाना, हल्के चलाना, ऑफ रोडिंग, ठीक है, जितना भी चलाना है हफ्ते में, दो हफ्ते में, तो उससे आइडिया ज़्यादा बेटर लगेगा। अभी जब एक बार फ्यूल अप कराएंगे तब की रीडिंग भी ले लेंगे, तब कैलकुलेशन बिठा लेंगे, और जब दूसरी बारी फिर से फ्यूल अप कराएंगे ना, तो उसको भी कंटिन्यूस रख के ना एक बार और कर लेंगे। उससे ये होगा, जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा लंबा चौड़ा करेंगे ना, कि उतनी ज़्यादा उसमें एरर ना कम हो जाएगी, आप ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पैक करा लेते हैं, चाउमीन वगैरह, फिर चलते हैं घर। तो गाइस यार अपना तो फूड पैक हो चुका है, अब चलते हैं घर को, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था चेन वगैरह के बारे में, अब आपको घर जा कर दिखाऊँगा, मैं समझा एक्सप्लेन तब कर पाऊँगा ना, जब मैं घर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा विजुअल। जितना ये काम किया है ना, इतना तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, बट ये होता है ना, आपके पास सही टूल नहीं होते तो ये दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार जैसे जैसे कराते जाएंगे ना, अपने आप नॉलेज बढ़ती जाएगी, देख देख के फिर अपने आप भी कर लिया करेंगे। और यार ये बात नहीं होती, ये पैसे बचाने वाली बात नहीं होती, ये जब गाड़ी से प्यार होता है ना, तो फिर आपको मन करता है कि हाँ अपने आप देखो, क्योंकि ऐसा लगता है बाहर का मैकेनिक कोई भी हो, इतना भी बढ़िया तरीके से कर लेना, वो दिल से करेगा नहीं काम, ठीक है, वो काम की तरीके से काम करेगा, और आप जब करोगे तो आप करोगे दिल से काम, ठीक है। तो गाइस यार अब चलो घर जाके मिलते हैं, यहाँ से तो स्टेशन आने वाले हैं हम, ये वाला व्यू तो आपने कई बार देखा है, तो चलो अब मैं आपको मिलूँगा घर पर। तो गाइस जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना कि पार्ट मिसिंग है, वो पार्ट मिसिंग नहीं है, वो ये रबड़ है, ठीक है, तो ये रबड़ पूरी की पूरी है, यही चेन साइडर होता है, ठीक है। और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, देखो अभी टाइट करा के आया हूँ, तो अब शायद उतनी लूज़ नहीं है भाई, मेरे को तो लूज़ ही लग रही है, बट उसके हिसाब से लूज़ नहीं है, ठीक है, लुब्रिकेंट हो चुकी है, ठीक। और मैं आपको ये कह रहा था, जो ये चीज़ देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये मार्किंग बनी हुई है, ठीक है, आपका जो ये बोल्ट है ना, ये जिस पोजीशन पे इस मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे है, दूसरी साइड भी उसी पोजीशन पे होना चाहिए, तो टायर बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब वो अंदाजे से करते हैं सारे मैकेनिक, अब इधर देखते हैं कहाँ पे है, ऊपर जो ये कट बने हुए हैं ना, ये मार्किंग है, नीचे ये चीज़ मार्किंग है, इसमें कील बनी हुई है और इसमें कट बने हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को मैच कराना है, जिस पोजीशन पे ये यहाँ इस जगह पे मैच हो रहा है ना, दूसरी वाली साइड भी उसी जगह पे मैच होना चाहिए, तो आपका टायर सीधा रहेगा। तो सारे मैकेनिक ना ये अंदाजे से करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली मैच करके नहीं करते, उन्हें अंदाजा है, अंदाजे से करके आपको दे देंगे।
तो इसलिए थोड़ा ये लगता है कि ठीक है उन्होंने अपना काम निपटाना है, ठीक है उन्होंने अंदाजे से कर देना है, आप करोगे तो आप परफेक्टली मैच करोगे, बट उनको अंदाजा होता है तो वो कर लेते हैं अपने आप, ठीक है। अब कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो सकता है अंदाजा, तो आप करोगे तो आप मैच करके करोगे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अपने आप करोगे ना तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ संतुष्टि रहेगी, हमने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो अब चैन कह रहा है कि टाइट हो चुकी है, देखो आवाज़ तो पता चलेगा जब गाड़ी चलेगी, आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब हाई स्पीड में थोड़ा चलाएंगे तब पता चलेगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।